उस बजट को जब पूरे को ध्यान से कोई देखता है तो लगता है कि देश को बेचने का बजट बनाया गया। जो मीडियम क्लास के लोग हैं उन पर सबसे ज्यादा बड़ी मार इस बजट में पड़ी है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके रेट बढ़ा दिए, जहां मीडियम क्लास के लोगों को मारने का काम किया, वही कृषि ने, किसान ने, विशेष रूप से जब ये कोरोना की बीमारी थी, ये पीक में थी, जब आर्थिक संकट बढ़ रहा था देश के ऊपर, जब जीडीपी घट रही थी, तो अकेला कृषि ऐसा व्यवसाय था जिससे देश को मजबूती मिली थी। और देश के प्रधानमंत्री और देश के अनेक जो बीजेपी के लोग हैं वो बारी बारी ये कहते हैं कि हम किसान की आय जो है 2022 में दो गुना कर देंगे, जबकि 2021 का जो बजट है, इस बजट को जब आप देखोगे कृषि के ऊपर, तो पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले साल जो था कृषि का जो टोटल जो लागत अपने देश में कृषि पे खर्च करनी थी देश के सारे बजट में, उसमें थी 5.7%, और इन्होंने उसको बढ़ाने की बजाय उसको कम करके कर दिया 4.3%, मतलब 1.5% पहले से बजट का हिस्सा कम कर दिया गया। पहले था टोटल 1,54,000 करोड़ में, जो इस साल घटा करके इन्होंने कर दिया 1,48,000। तो पहले से बजट को कम किया है, ना कि कोई बढ़ा करके किसान को कोई फायदा पहुंचाने का काम किया। इसी तरीके से जो प्रधानमंत्री जो निधि कोष जो बनाया गया था, जो किसान सम्मान निधि कोष इसको कहते थे, जिसमें 6,000 रुपये एक किसान के खाते में देने की बात की जाती थी कि किसान को 6,000 रुपये दे करके हम उसको मजबूत करेंगे, किसान की खेती करने में आसानी हो जाए, उसके लिए प्रधानमंत्री की तरफ से पैसा दे करके उस पैसे पे बहुत बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट देते थे, जितना पैसा नहीं देते थे उससे ज़्यादा पैसा उसके प्रचार पे सरकार खर्च करती थी। उसमें टोटल जो था पिछले साल वो 75,000 करोड़ रुपये था, और अब की बार वो 75,000 से घट करके वो पैसा जो है 10,000 करोड़ रुपये रह गया, 65,000 करोड़ रुपया उसका भी कम कर दिया, जिसका मतलब जो 6,000 देते थे अब वो 6 के बजाय 1,000 भी नहीं देंगे, इसको कम करने का काम किया। जबकि सुनने में ये आ रहा था कि इसको 6 से बढ़ा करके प्रधानमंत्री 18,000 करोड़ रुपये ले जाने की कोशिश में है, लेकिन उसको खत्म करने के लिए उसको भी कम कर दिया। इसी तरीके से पिछले साल जो कृषि की सब्सिडी थी वो थी 21,175 करोड़ रुपये, और वो अब की बार घटा करके कृषि की सब्सिडी जो है वो 19,468 करोड़ रुपये कर दी, ये भी 2,000 करोड़ के करीब कम कर दी कृषि की सब्सिडी। उसके बाद जो एमएसपी की बात करते थे, एमएसपी को जो चीज़ सपोर्ट करती है उसके लिए उसका जो नाम रखा गया एमएसपी का जो सपोर्ट करने के लिए, उसमें आशय एक नाम है, दूसरा नाम उसका मार्केट इंटरनेशनल इंटरवेंशन, और तीसरा है पीएसएस। उन स्कीमों में भी पैसा घटा दिया गया, पिछले साल 2,000 करोड़ रुपये और अब की बार इसको 1,500 करोड़ रुपये कर दिया। उससे आगे जो बड़ी बात है वो देखने वाली, ये तो वही बात है। उसके अलावा कृषि के ऊपर जो आपका इंफ्रा फंड जो है, जो कृषि के अलग अलग संयंत्र जो बनाए जाते हैं उनके ऊपर जो पैसा जो खर्च होता था वो 1,00,000 करोड़ रुपये था साल का, उसको 1,00,000 करोड़ को भी घटा करके 10,000 करोड़ रुपये कर दिया, और पिछले साल जहाँ 1,00,000 करोड़ रुपये इसमें रखा गया था खर्च करने के लिए, केवल 200 करोड़ रुपये खर्च हुआ इसके ऊपर, जबकि और दूसरी जो स्कीमें थी उद्योग की उनके अंदर जितना बजट रखा गया था उससे 2 गुना पैसा माफ कर दिया गया था। कितनी बड़ी मतलब किसान के साथ किस तरह का दोगला व्यवहार है,
इसी तरह इसका पेज नंबर अगर 44 पढ़ोगे तो उसमें एफसीआई की जो स्पोर्ट राशि जो होती है सालाना जो खरीद करने की वो 1,36,400 करोड़ थी, अब उसमें मात्र 24,600 करोड़ रुपया छोड़ दिया, ये भी बहुत कम कर दिया गया। तो इस तरह से जो बजट लाया गया है इससे साफ है कि किसान को मारने के लिए केवल कृषि के 3 बिल नहीं, बल्कि किसान और कैसे कमजोर हो इसके लिए इस बजट के अंदर इस तरह के प्रावधान रखे गए हैं जिससे आने वाले समय में किसान की कमर टूट जाएगी। यहाँ तक भी जो हमें केमिकल मिलता है उसके ऊपर भी महंगा कर दिया, फर्टिलाइजर जो है उसको महंगा कर दिया, अनेक खेत के काम आने वाली वस्तुएं जो है उनके दाम भी बढ़ा दिए। तो इस बजट से साफ हो जाता है कि देश जो है आज 100% जो पूंजीपति लोग हैं उनके हाथों में झगड़ा गया, और जो इस देश का कोई मजबूत करने वाला व्यक्ति था उसको इन्होंने कमजोर कर दिया। इसीलिए आज मजबूर होकर के किसानों को लगातार मेरे ख्याल आज 70 दिन के करीब हो गए धरने पे बैठे हैं, और अब तक 200 के करीब लोग जो है उसमें अपनी जान गंवा चुके हैं, जहां 200 लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, शहादत दी, उसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री ने एक नई चीज बनवा दी। हमने ये सुना था कि हमारे जो सीमाएं हैं दूसरे मुल्कों की उनके ऊपर बाड़ लगाई जाती थी कि दुश्मन हमारे देश में घुसपैठ ना कर सके। चाइना रोज हमारे देश में घुसपैठ करता है, कई कई किलोमीटर आगे बढ़ जाता है, वहां दीवार बनाने की बजाय उस चाइना को रोकने की बजाय कैसे किसान को दिल्ली में बढ़ने से रोका जाए इसके लिए कंक्रीट की दीवार बना दी गई, सरिये लगा करके नोकेले सरिये जो है उनको मोड़ करके खड़ा कर दिया गया ताकि कोई उस तरफ जा ना सके। मुझे लगता है कि थोड़े दिन बाद वहां पे कोई तोपखाना भी जाकर के खड़ा कर सकते हैं। जैसे चाइना के अंदर चाइना के राष्ट्रपति ने स्टूडेंट की आवाज को दबाने का काम किया था, हजारों स्टूडेंट पे टैंक चढ़ा दिए गए थे, मार दिए गए थे, आज के हालात जिस तरह के दिख रहे हैं उससे लगता है कि देश का प्रधानमंत्री कहीं इस तरह के आदेश देकर के किसान को भी कुचलने का काम ना करे। सर जैसे नेशनल मीडिया 26 जनवरी के एपिसोड के बाद फार्मर्स को मतलब डिक्रीज कर रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? नेशनल मीडिया बिका हुआ है, और नेशनल मीडिया में 3 या 4 चैनल ऐसे हैं जो निष्पक्ष बात आज कर रहे हैं, इसीलिए उस नेशनल मीडिया का नाम मोदी मीडिया रख दिया लोगों ने। अगर मीडिया हमारा सही अपनी जिम्मेवारी निभाए तो फिर देश के प्रधानमंत्री को अब तक सारी बात समझ आ जानी चाहिए थी। तो सर पीएम कहते हैं कि इसके लिए बधाई देता हूं मैं आप जैसे साथियों को जो आज अपने चैनल चला रहे हो, तो जिस ढंग से आप लोगों ने इन सारे इश्यूज के ऊपर आम आदमी की आवाज को लोगों तक पहुंचाया इसके लिए आप बधाई के पात्र। तो साहब जैसे कि बजट में साफ हो गया है कि किसान के हित में कोई बात बजट में नहीं है, किसान लोग 2.5 महीने से बैठे हैं, ये जो बातें मैंने आपको बताई है ये मैंने बजट के पेज निकाल करके बिल्कुल सही बात की बुक्स आती है ये स्पष्ट है कि किसान में से आपको बताया है, ना कि मुझे किसी ने लिख करके दे दिया मैंने आपको बता दिया। पीएम कहते हैं कि एक फोन कॉल की दूरी पे हूँ किसानों से, क्या करेगा एक फोन कॉल करके? क्या कोई रक्षा मंत्रालय को ऑर्डर करेगा कि इनको जाकर के बम्बार्डमेंट करके उड़ा दो? 12 चरण की बातचीत हो चुकी, उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मेरे एक फोन की कॉल की जरूरत है, तो क्या प्रधानमंत्री जी ने ये 12 राउंड की जो बातचीत करी थी ये बिना प्रधानमंत्री के इशारे पे हुई? अगर प्रधानमंत्री जी की नीयत ठीक हो तो फिर आज 70 दिन होंगे किसान को अपना घर बार खेत बच्चे छोड़कर के यहाँ बैठने की जरूरत नहीं।
आप शुरू से ही आंदोलन के पक्षधर हैं, किसानों के बीच हैं, इस्तीफा दे चुके हैं, आपका अनुभव क्या कहता है, आंदोलन का परिणाम क्या रहेगा? आंदोलन जिस ढंग से चल रहा है हर हालत में किसान जीतेगा, सरकार को अपनी गलती का एहसास करना पड़ेगा, काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। सर जैसे प्रदेश में पिछले 3-4 दिन से इंटरनेट बंद है काफी जिलों में, तो इसपे क्या करेंगे? बिना कुछ बताए बिना कोई नोटिस नोटिस की जरूरत नहीं। हमारे प्रदेश में कौन सी इमरजेंसी है जो इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी? इंटरनेट एक ऐसी सेवा है आज की तारीख में कि जितने भी ऑफिस हैं उन सबको आप कहते हमने ऑनलाइन कर रखा है और ऑनलाइन कर दिया और इंटरनेट बंद कर दिया तो ऑफिस का काम ठप हो गया कि नहीं हो गया? चाहे वो एक डीसी का ऑफिस नहीं, कोई भी विभाग है, चाहे एग्रीकल्चर है, पंचायती राज है, चाहे आपका कोई बिजली का विभाग है, चाहे कोई पीडब्ल्यूडी का विभाग है, हर डिपार्टमेंट जो है आज ठप हो गया। कोई काम जो है किसी आदमी का आज पूरे स्टेट में कहीं कोई छोटा मोटा काम नहीं हो रहा, सरकारी जो काम है वो बंद है। नंबर दो, जितने बच्चे जो पढ़ते हैं, विशेष रूप से जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं, चाहे कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई इंग्लैंड में, कोई यूरोप में, कोई कनाडा में, अमेरिका में, उन बच्चों के लिए आज सबसे बड़ी समस्या होगी क्योंकि उनकी तो पूरी स्टडी ऑनलाइन है। उन बच्चों के अगर एग्जाम हो रहे थे तो उनके एग्जाम तो एकदम से रुक गए, उनके तो साल बर्बाद हो जाएंगे। इसी तरीके से जो आप लोगों का जो काम है वो काम सारा का सारा रुक गया। एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट की जानकारी कहीं नहीं हो सकती, तुम्हारे जींद में क्या हो रहा है इसका पता जींद के साथ लगते पांडू भंडारों को भी नहीं पता है, पांडू भंडारा में क्या है उसका पता आपको जींद को नहीं है कि क्या हो रहा है। जो ये लगाया गया है इसके लिए सरकार बताए खुद भी इसमें रीजन क्या है लगाने का। सर क्या नहीं मानते कि जिस तरह इमरजेंसी के हालात थे उससे बदत तर कहेंगे या मतलब उससे संपर्क रखेंगे? इमरजेंसी तो कुछ भी नहीं थी इसके मुकाबले में, ये तो इमरजेंसी से भी बुरा हाल है। इमरजेंसी में हर चीज की आपको जानकारी तो थी, यहाँ तो किसी बात की कोई जानकारी भी नहीं कि सरकार क्या करी। यहाँ सरकार थोड़ी है, सरकार तो फेल हो गई, मुख्यमंत्री कहीं जा नहीं सकता, उसके मंत्रिमंडल का कोई सदस्य कहीं नहीं जा सकता, तो जब मुख्यमंत्री नहीं जाएगा उसके लोग कहीं नहीं जा सकेंगे, उसके सरकार में बैठे लोग कहीं नहीं जा पाएंगे, जितने भी सार्वजनिक कार्यक्रम है ठप हो गए, खत्म हो गए, तो फिर सरकार कहाँ है? तो जंगल का राज है, लुटेरों का राज है। आप इसको ये इस तरह कह सकते हैं जैसे आपने अभी कहा कि भाई प्राइम जिस तरह से सड़कों पे नुकीले तार लगा दिए, बैरिकेडिंग जिस तरह के, क्या सरकार डरी हुई है क्या? मतलब बात डरने के लिए है, मतलब हमारे देश का प्रजातंत्र खत्म हो रहा है। हम या तो कहां ये कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक मुल्क के पैदा हुए हैं और आज ऐसे हालात है कि हमें अपने ही कैपिटल में जाने से रोका जा रहा है, हम अपनी राजधानी में नहीं जा सकते, इससे ज्यादा बुरी हालत और क्या होगी देश की? सर सिंगल बॉर्डर पे एक मंदी पुनिया जमीन से उनको अरेस्ट किया गया, एक धर्मेंद्र सिंह के, तो ये प्रेस पे कहीं ना कहीं एक दबाव बना रही सरकार। जो कोई सरकार के खिलाफ बोलता है उसको उसी टाइम दबोच लिया जाता है। आपने देखा नहीं इंटरनेट, ये जो आपका नेशनल मीडिया है आज उसकी क्या हालत है, लेकिन कितने लोगों की आवाज को दबाओगे? लाखों लोगों की आवाज नहीं दब सकती है, लाखों वाली कल्पों किरोड़ों में ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है।